जय श्री राम। हम लोगों की यह यात्रा पंद्रवीं अध्याय शुरू हुई है और देव पर्वत की ओर चली है। हम लोग, मैं, रोहित, दीपक तिवारी जी, रवि जी, विजय जी, जानकी बंदरिया जी, सभी लोग साथ में देव पर्वत पहुँचे और देव पर्वत पे इस यात्रा का आनंद लिया। यह पर्वत की व्याख्या श्रीमद् भागवत पुराण में भी है। देवों ने यहाँ तपस्या की। सिद्धनाथ की स्थिति ये आज भी यहाँ, सिद्धनाथ यहाँ पर रहते हैं। और ये देखिए, इतने दुर्गम पहाड़ी के बीच में मंदिर निर्माण भी है। यहाँ पे एक कुंड भी है। आपको सारी या देखिए, यहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ भी रहती हैं। जब हम लोग पर्वत पर पहुँचे, बाबा जी के दर्शन हुए और ये देखिए पर्वत से सुंदर दृश्य, मन मोहने वाला। हमें लगता है ये अप्रैल की गर्मी थी, लेकिन यहाँ पर बरसात में और ठंडियों में जाया जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। सभी लोग थक कर बैठ गए थे। लगभग 500 मीटर की यह पहाड़ होगा और इस पहाड़ के ऊपर भी सिद्धनाथ का स्थान है। ये राम जानकी का मंदिर, यहाँ की मूर्तियाँ, इतना सुखद अनुभव दिया उनको देखने के बाद, ऐसा लग रहा था इसी गुफा में बैठे हैं। आइए आपको लेके चलते हैं, उनके दर्शन कराते हैं। और यहाँ का मनमोहक दृश्य मन को भाने वाला था। जैसे ही हम लोग मंदिर में प्रवेश करें, सीताराम जी के दर्शन करें, तो ऐसा लगा कि सारे जीवन का सुख मिल गया। बाबा जी ने आराम से बैठे हुए कहा, फर्श की ठंडी ठंडी अनुभूति, सीताराम जी के सुंदर दर्शन, लग रहा था कि यही बैठे हैं। हनुमान जी, गणेश जी, दुर्गा जी, सीताराम जी, सुंदर मूर्ति। उसी दर्शन करने के बाद फिर हम लोग बाहर निकले और कुंड में पहुँचे। एक कुंड देखिए, कुंड में अंदर पानी भरा हुआ है और इस कुंड को पार करके शंकर जी के दर्शन करने जाना होता है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर शंकर जी का जलाभिषेक किया। जलाभिषेक दीपक जी ने स्तुति बोलते जलाभिषेक कराया, क्योंकि यहाँ मोबाइल से फ़ोटो उतनी अच्छी नहीं आ रही थी, तो हम लोगों ने जितनी आई उतनी आपको दिखा दी। आप यहाँ जाके बहुत अच्छी अनुभूति ले सकते हैं और जाना भी चाहिए। हमारे अजयगढ़ पन्ना जिला का बहुत अच्छा दुर्गम स्थान है। फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद ये पीत कुंड था, पीला यहाँ का पानी रहता है, इसका जलपान किया। इस कुंड का जलपान करने के बाद अपनी यात्रा में आगे निकले और रवि जी हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे थे। और अति दुर्गम, मैंने शायद ही ऐसा दुर्गम ये रास्ता कहीं देखी हो। पीछे खाई, आगे पतली सी रास्ता, लेकिन रवि जी, विजय जी, जानकी रमन मलिया जी, सभी लोगों का एक दूसरे का उत्साहवर्धन करते हुए आगे बढ़ते चले गए। और एक राजपूत जी हम लोगों को मिले, जो इस यात्रा के दौरान हम लोगों का पथ प्रदर्शक के रूप में आगे आगे चलते रहे और हम लोगों को सिद्धनाथ, जो देव पर्वत के सबसे ऊपरी शिखर पर स्थित, उनके दर्शन कराने के लिए आगे चले। दीपक जी इस दुर्गम चढ़ाई के बाद जहाँ पर बैठे हुए, वहाँ से रिटर्न आ गए, लेकिन हम लोगों ने फैसला लिया नहीं, हमें आगे जाना है। बहुत ही दुर्गम स्थान था और किसी को शायद ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो राजपूत जी बैठे हैं वहाँ पर, बहुत जाना इतना कठिन था कि मुझे मोबाइल छोड़ना पड़ा। फिर मैंने मोबाइल अंदर रखा और फिर मैं आगे बढ़ा, तो एक जगह ऐसा आया कि मुझे लगा कि अब चढ़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन सिद्धनाथ की कृपा थी और आगे निकले। देखिए रवि दत्त जी कैसे प्रयास कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम लोग सब लोग आगे बढ़े और जैसे ही इस कठिनतम चढ़ाई पर चढ़े, एक ऐसी अनुभूति हुई है कि संसार को जीत लिया हमने। फिर वहाँ से ऊपर चढ़े, देखिए पूरी विजय जी को पतली सी पत्थरों के बीच से चढ़ना। और चढ़ते चढ़ते विजय जी तो जबलपुर के रहने वाले थे, तो लग रहा था कि चढ़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन वो चढ़ गए और फिर आगे बढ़े। ये देखिए प्रवेश द्वार है, ऊपर बहुत अच्छा प्रवेश द्वार बना हुआ था उसी पर्वत के किनारे किनारे पर। कहते हैं यहाँ पर कोई जलकुंड बहुत बड़ा स्थापित है, वो किसी को मिलता नहीं। लेकिन एक चीज़ बता दें, इतनी धूप में पर्वत के ऊपर एकदम ठंडी मिट्टी थी और पत्थर भी ठंडे थे। हम लोगों ने यह अनुभूति किया, सभी लोग नंगे पैर थे। ये देखिए पर्वत के ऊपर, देव पर्वत के ऊपर, एक आपने साइड में मंदिर देखा होगा,
ये बहुत अच्छा शिव मंदिर है, अति प्राचीन लग रहा है। हम लोग इसके अंदर गए, जानकी मंदिरिए थी, और तुम से ये देखिए मंदिरों के स्तंभों पे बहुत अच्छी नक्काशी है। टूटा हुआ था लेकिन हम लोगों ने अंदर दर्शन किए, और यहाँ पे शिव मंदिर है। शंकर जी की जलहरी स्थापित थी, शिवपिंडी स्थापित थी, और टूट फूट तो मुझे लगता है या तो लोगों ने धन के चक्कर में यहाँ पे टूट फूट कर दी। और अगर एक प्राचीन कृति आज भी अपने जीवंत रूप में स्थापित होती तो शायद बहुत अच्छा होता। आप देख ही रहे होंगे कितनी सुंदर मूर्तियाँ हैं। यहाँ के दर्शन करने के बाद हम लोग सीधे सिद्धनाथ के दर्शन करने के लिए निकले। ये देखिए आप मूर्तियाँ पत्थर में कितनी अच्छी तराशी गई हैं। सभी लोग इनको देख रहे थे, इनकी कटिंग देख रहे थे कितनी अच्छी है, और एक दूसरे सभी लोग व्याख्या कर रहे थे। देखिए इसकी गुंबद पर चक्र बना हुआ था। गणेश जी बाहर एक अति सुंदर, मुझे लगता है नंदी जी के लिए है, ढलान टाइप की बनी हुई थी, और ऊपर कुंड भी थे, इसी में कुंड भी था। और पता नहीं यहाँ पर कैसे लोग आते होंगे क्योंकि रास्ता तो बहुत दुर्गम था। फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़े, और ये आप कुछ फोटो दिखा रहे हैं, हमारी यात्रा में कुछ छूट न जाए आपको, आपके लिए और आपको भी सहायक होगा। अरे हाँ, इस पर्वत पे आपको जाना है तो बहुत तैयारी से जाना चाहिए, जूते नहीं पहनना चाहिए, कभी भी स्लिप हो सकते हैं, रस्सी वगैरह लेके जाना चाहिए, और हाथ में डंडी अंडी लेके नहीं जाना चाहिए, और बहुत ही मोबाइल का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करें करना है, तो अन्यथा ना ही करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। फिर इन पड़ावों को पार करते हुए हम लोग ऊपर पहुँचे तो मंदिर ही मिला, आपने देख लिया, और एक फ़ोटो का एक सेशन चला, सभी ने अपनी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की और अपनी अपनी फ़ोटो यहाँ पे खिंचवाई। फिर उसके बाद हम लोगों ने सिद्धनाथ महाराज के भी दर्शन करे। एक चबूतरा बना है ऊपर, जो वहाँ पे लोग जाते हैं वही सिद्धनाथ बाबा का स्थान था। ये देखिए पहाड़ी के ऊपर बिल्कुल शिखर पर बैठते हम लोग ने सभी ने फोटो सेशन कराया। शाम का समय था, बहुत अच्छा लग रहा था ही बैठे रहे हम ही लोगों ने। ये देखिए सिद्धनाथ महाराज की जय, यही वह चबूतरा है ऊपर, और यहाँ से पूरा अजयगढ़ कानपुर मार्ग नेशनल हाईवे दिखाई देता है। आप सामने देख रहे होंगे जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, यहीं पे सामने चित्रकूट पंजीरिया दाही है, उस साइड से इस साइड हम लोग आए, और बस यहाँ से फिर जाने की तैयारी। सभी लोगों ने दर्शन किए और प्रसाद चढ़ाया। अभी जी कह रहे थे कि यहाँ से उतरे तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन जो अपने मार्गदर्शक थे राजपूत जी, उन्होंने जहाँ से लाए थे वहीं से लेके गए रिटर्न। इस कॉर्नर पे झंडा लगा हुआ था, यहाँ पे खड़े होने से देखने से इतनी अच्छी अनुभूति हो रही थी कि उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कुछ देर हम लोग यहाँ पे बैठे, बैठने के बाद पुनः वापस घर के लिए, और अति यहाँ की अनुभूति क्या ही कहना, मेरे पास शब्द ही नहीं है इतनी अच्छी अनुभूति के लिए। आप अगर जाएँ तो बहुत सावधानी से जाएँ, बस मेरा यही अनुरोध है। बाकी यह देव पर्वत साई, ये देखिए दुर्गम पहाड़ियों के बीच हम लोग आज विश्व के इस अद्भुत पर्वत देव पर्वत पे आए हुए हैं। ये देखिए जानकी रमन जड़िया जी और विजय जी पीछे आ रहे हैं। इन लोगों को रॉक क्लाइंबिंग का बहुत शौक था, और हम लोगों को आज श्रीमद् भागवत पुराण में इस देव पर्वत का उल्लेख है, जिस पे आज हम लोग सफलता पूर्वक पहुंचे और हमारी यात्रा सफल हुई।
बस थोड़ा सा एक क्षोभ रह गया कि दीपक तिवारी जी हमारे साथ आए थे। ये देखिए, आप देख ही रहेंगे कितना दुर्गम स्थान है, पगडंडी और नीचे ये खाई 12,000 फीट की। ऐसी ही दुर्गम यात्राओं को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।